सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रविवार को वडेट्टीवार के रामदास पेट स्थित आवास के पास प्रतीकात्मक पुतला फूंक कर वडेट्टीवार के वक्तव्य का निषेध किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वडेट्टीवार निराधार वक्तव्य के माध्यम से समाज को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुंबई में आतंकवादी हमले में पुलिस अधिकारी हेमंत करेकर शहीद हुए थे, उस मामले को लेकर वडेट्टीवार ने कहा है कि करकरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित पुलिस अधिकारी की पिस्तौल से गोली लगी थी। वडेट्टीवार के इस वक्तव्य को निराधार ठहराते हुए भाजपा युवा मोर्चा ने मांग की है कि वडेट्टीवार माफी मांगे, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। निषेध प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष बादल राउत ने किया। शिवानी दानी, रितेश रहाटे, अमय विश्वरूप, आशीष मोहिते, सौरभ पाराशर, सागर घाटोले, पुष्कर पोरशेट्टीवार, कुलदीप माटे, नागेश साठवने, प्रसाद मुजुमदार, मनमीत पिल्लारे, मंगेश गोमासे, वेदांत जोशी, राकेश भोयर, संदीपान शुक्ला, हरीश निमजे, आकाश ढवले, निखिल गौरकर, महेश दंडेकर, अंकिता समदले, अनुपम भगत, सायली उपासे, पवन महाकालकर सहित अन्य कार्यकर्ता इस समय शामिल थे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर महानगर द्वारा यहां पर सवाल पूछने के लिए हम विजय वडेट्टीवार जी के घर में जाने का हमने प्रयास किया कि 2008 में ये हुआ था, उसके बाद अगर इतनी महत्वपूर्ण सूचना और बातमी अगर उनके पास थी तो तब केंद्र में भी आपकी सरकार थी, राज्य में भी आपकी सरकार थी, आप इतने साल सोए थे क्या? जब चुनाव के बीचों बीच हम खड़े हैं, जब आपको दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कुछ होने वाला है नहीं, तब आपने इस तरीके के वक्तव्य करना सीधा सीधा दर्शाता है कि आपको सिर्फ स्टेटमेंट देकर न्यूज़ में आना है, फ्लैशगिरी मारनी है, उसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। आज उनको समझाने के लिए यहाँ पर उनका पुतला फूका है। अगर उनके ऐसे ही बेताल वक्तव्य जारी रहे तो उनको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में बोलने की तैयारी युवा मोर्चा हमेशा से करता आया है और वो तैयारी हमारी है। ये आगे की भूमिका हमारी विजय वडेट्टीवार जी पर निर्भर करेगी। अगर आज का जो हमारा आंदोलन है, हमारा धसका है, वो उनको अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, अगर ऐसी बेताल वक्तव्य उन्होंने जारी रखे तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।